हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल मल्टीमीटर को कुछ मॉडिफाई करने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम वायरलेस बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर हम कुछ वायरलेस फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें इसको खोलना होगा, क्योंकि दोस्तों बिना खोले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, खोलने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह से दिखता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा हुआ है, कुछ पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और एक बैटरी, एक गोजर है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे वर्क करता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफाई करना होगा ताकि ये वायरलेसली वर्क करे। तो इसे मॉडिफाई दोस्तों करने के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं कुछ कंपोनेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट होता है। तो उसमें से पहले आता है यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर, जो कि बेसिक 547 का एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो कि आपको मार्केट पे 400 से 500 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम इन ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो पहला ट्रांजिस्टर है उसके बेस के साथ दोस्तों जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं ताकि ये दोनों जो है मिलकर अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो दोनों का जो कलेक्टर है दोस्तों, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ देना है ताकि इनका जो काम करने का जो मजबूती हो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंसी से ये काम कर सके। तो जो बचा कुचा वायर है उसको हम काट लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर 220 ओम का एक रेजिस्टेंस, जिसको मैं कलेक्टर पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा सर्किट है कुछ इस तरह से बन चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमारा मल्टीमीटर के अंदर फिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ ऑपरेशन करना होगा। तो पहले से हमने इसको खोल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू लेकर के जो हमारा जो सर्किट हमने बनाया था ट्रांजिस्टर को मिला करके, तो उस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो एक CD4017 आइस को लेकर के ये सर्किट बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ एक LED जो कि मेरा इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक होल दिया गया है, तो मुझे आसान नहीं होगा यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको होल नहीं मिलता है तो आप एक होल कर सकते हो। तो दोस्तों, कंपनी ने शायद मेरे लिए ये होल दिया था, उसे पता था शायद मैं ये डिजाइन बनाने वाला हूँ, तो इसलिए शायद उन्होंने ये होल दे दिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू लेकर के इसको अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था 220 ओम का, उसको लेकर के मैं जो LED का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि LED को हमारा जो नेगेटिव मिल जाए और करंट भी यहाँ पर कंट्रोल हो जाए। उसके बाद दोस्तों, जो कि हमारा एमिटर पॉइंट है उसको लेकर के जो मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ पर बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हुआ है वहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद हमें इसको पॉजिटिव भी देना होगा, तो LED का जो पॉजिटिव है वहाँ पर हम इसको पॉजिटिव देंगे। तो ये पॉजिटिव अभी हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल का काम होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो तो जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं इसके अंदर का जो पिन होता है, तो यहाँ पर आप जो ध्यान से देखिएगा आपको कुछ 3 कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही आप मल्टीमीटर ऑन करते हो तो यहाँ से आपको पॉजिटिव मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि जब भी हम मल्टीमीटर ऑन करें तभी जाके ये सर्किट वर्क करे, इसलिए आपको जो पॉजिटिव है ये आपको यहाँ से लेना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से लेना है और जो पॉजिटिव है ये आपको यहाँ से लेना होगा, तभी जाके ये अच्छे से वर्क करेगा। तो अभी मैं पॉजिटिव जो है ये कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो सर्किट है, जो हमारा जो वायरलेस मल्टीमीटर है, ये कुछ तरह से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, वायरलेस बनाने के लिए हमें एक एंटीना की भी ज़रूरत है। तो एंटीना बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक एनामेल्ड कॉपर वायर को लेता हूँ और इसके ऊपर कुछ इंसुलेशन होता है तो उसको मैं छीलने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर के ऊपर मैं इसका एक कॉइल बना लेता हूँ। तो कॉइल दोस्तों बनाने के लिए मैं इसके ऊपर इसको लपेट लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये कॉइल बन जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने हिसाब से टर्न ले लीजिए, 10, 12, 20, 100, 200 आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ पर 7-8 टर्न लिया हुआ है और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया में कवर हो जाए। तो अभी हम इसको कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बेस में ये हमारा एंटीना की तरह वर्क करेगा और इस ट्रांजिस्टर को ये ट्रिगर भी करवाएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर को ये ऑन करवाएगा, जिसकी वजह से हमारा LED ऑन हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये सर्किट कैसे वर्क करेगा और किस प्रपोज में ये वर्क करेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू दे करके इन सबको फिक्स कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए और कोई भी वायर वगैरह इधर उधर ना घूमे निकल करके। अगर दोस्तों इधर उधर घूमेंगे तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, हमारा जो मल्टीमीटर है जल सकता है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से फिक्स करना होगा। तो दोस्तों मेरे पास तो हॉट ग्लू था, जो कि आसानी से मैंने इसको फिक्स कर लिया। अगर आपके पास कोई अलग आइडिया हो तो आप मुझे फिक्स कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसका जो ऊपर का ढक्कन है इसको अभी हम लगा लेते हैं और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। और ये फिक्स करने के बाद हम इसको टेस्ट भी करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों इसका जो सर्किट डायग्राम है वीडियो के अंदर ही मैं दे दूंगा, आपको कोई परेशानी ना होगा, ठीक है। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसके अंदर का जो सर्किट है ये तभी जाके ऑन होगा, और जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो अंदर का जो सर्किट है ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है जिसके अंदर करंट भी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्किट हमने बनाया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका मतलब हम जब भी मल्टीमीटर को इसके पास लेके आएंगे तभी ये हमें इंडिकेट करके बताएगा कि आगे इलेक्ट्रिकल का कोई करंट है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है, और जैसे मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कलर का LED हमने लगाया था अंदर की ओर यहाँ पर, तो ये अभी ऑन हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं इसको दूर लेके जाता हूँ वो LED ऑफ हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाला सर्किट है, यानी कि दूर से ही पता लगा सक लेता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जो सप्लाई मौजूद है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसको पास लेके आता हूँ तो देख सकते हैं LED कैसे ग्लो कर रहा है यहाँ पर, और जैसे मैं इसको दूर लेके चला जाता हूँ तो ये जो LED यहाँ पर ये ऑफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा, आप इसके पास सोल्डरिंग आयरन लेके आओ या फिर इसके अंदर डाल दो, कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्किट है अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। दोस्तों आप आसानी से एक मल्टीमीटर में ये वाला जो फीचर से ये आप ऐड कर सकते हो। दोस्तों मैं आगे भी मल्टीमीटर के ऊपर और बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो सर्किट डायग्राम है मैंने वीडियो के अंदर दे दिया है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सलूशन दे दूंगा दोस्तों। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना दोस्तों, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।